मिक्स वेजिटेबल बनता है, आंवला का बनता है। वेरी नाइस। तो जैसे मैं यहाँ आ रहा था बैठने के लिए, मैं नोटिसेस पढ़ रहा था आपके जो लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स जैसे नॉर्मल नोटिस है कि फ्रेश मैंगो जूस अवेलेबल वगैरह, लेकिन यह नोटिस जो है सांबर रसम विल बी चार्ज्ड एक्स्ट्रा इफ वेस्टेड। और ये ऐसा लग रहा है कि किसी के घर में जाकर खा रहा हूँ मैं। बोलते हैं घर में हमारा इतना जगह नहीं है तो लोगों को इधर ही बुलाते हैं, आइए। गुड आइडिया। ये फ्रेश आचार, नो ऑयल। एक मिनट, फ्रेश आचार, फ्रेश आचार, नो ऑयल इन दिस, नो ऑयल इन द आचार, ये जरा भी नहीं है। तो दो किस्म के, सॉरी, वन, एक तो प्लेट मील और दूसरे मैं पहुंच गया हूं बंबई के माटुंगा एरिया में। अभी माटुंगा एरिया की खासियत क्या है? माटुंगा एरिया एक ऐसी एरिया है जहां काफ़ी साउथ इंडियन लोग रहते हैं, यानी मैंगलोर से, तमिलनाडु से, मदुरई से लोग यहां रहते हैं। और यहां सब साउथ इंडियन चीज़ें मिलती है, यानी फ्रूट साउथ इंडियन मिलते हैं, वेजिटेबल साउथ इंडियन मिलते हैं, साड़ियां मिलती है और साउथ इंडियन खाना भी मिलता है। तो मैं एक असली साउथ इंडियन मील खाने जा रहा हूँ, शायद बम्बई के सबसे पुराने उड़पी या साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे। तो आइए मेरे साथ और वहां जाकर पूछते हैं कि खाने में क्या है। गया हूं ए रामानायक्स उड़पी श्री कृष्ण बोर्डिंग में, और पहले से ही बता देता हूं कि यहां खाना और किसी और उड़पी रेस्टोरेंट में खाने में बहुत सारा फर्क होता है। आप अंदर आइए मेरे साथ और मैं दिखाता हूं ये फर्क क्या है। पहले तो दो किस्म के मील्स मिलते हैं यहां, एक तो प्लेट मील और दूसरा फुल मील। और हमारे साथ है शशांक नायक जो यहां थर्ड जनरेशन है और यहाँ इनके ओनर है यहाँ। तो मुझे बताइएगा आप कि ये जो दो किस्म के मील्स यहाँ मिलते हैं उनका क्या फर्क, क्या है डिफरेंस, क्या है इसमें? एक फुल मील होता है विच इज अ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन मील, ओके, सर्वड इन अ बनाना लीफ, यस, ओके, राइट। द अदर इज अ फिक्स थाली कॉल्ड अ प्लेट मील, इज अ प्री प्लेटेड थाली, रेडी सर्व थाली दिया जाता है फॉर पीपल टू कम ईट एंड गो ऑन द फास्ट, ओके, यस। तो मुझे लगता है तो मैं तो फुल मील ही लूंगा। ट्रेडिशनल में पहले बार आते हैं या फिर हफ्ते में दो तीन बार आते हैं, फुल मील लीजिए। अच्छा। जो कम एवरी डे, आई थिंक एवरी सिंगल वर्किंग लंच आवर दे कम, ईट एंड गो इन 10 मिनट्स फॉर प्लेट मील। वो प्लेट भी लेते हैं, प्लेट का आवाज आ रहा है अंदर। अच्छा, और ये जो सब कूपन्स है ये क्या सिस्टम क्या है यहाँ? ये बेसिकली दादाजी के जमाने से है, दिस इज फॉर कूपन्स। पहले के जमाने में उतने पढ़े लिखे लोग हुआ नहीं करते थे, एजुकेशन लेवल वो लेसर देन व्हाट इज टुडे, मगर लोगों को लिखने को पढ़ने को नहीं आता था, वेटर कैसे सर्विस करेगा। तो मान लो उनको अगर कलर समझता है, ये वेटर को मालूम पड़ गया ब्लू कूपन है, कुणाल जी को थाली देना है, प्लेट देना है, ओके। अगर येलो कूपन दिया, कुणाल जी को स्वीट देना है, ओके। वी आर नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन, सो वी आर सिंपली अडैप्टेड और कॉपीड द सिस्टम। पहले आइए, टिकट लीजिए, खाना खाइए, निकल जाइए। चलो, तो मैं तो सब लूंगा, मुझे फुल मील चाहिए और मुझे स्वीट भी चाहिए, तो आप मुझे वैसे कूपन दे दो। फुल मील ऑलरेडी इंक्लूड्स वन स्वीट ऑफ योर चॉइस, ओके, ठीक है। अब बैठते हैं, हम साथ में बैठते हैं, खाते हैं, चलो, मोस्ट वेलकम, लेट्स गो। जगह की हिस्ट्री भी बताइए मुझे, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ ये क्विजीन, इस एरिया में ही क्यों, और क्या हिस्ट्री है ए रामानायक की? अच्छा, ए रामानायक माय ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर एंड द फाउंडर ऑफ दिस प्लेस, करेक्ट। छोटे उम्र में बॉम्बे आए थे, तभी बम्बई में लोगों का आना जाना बहुत हुआ करता था। हाँ। लोग बैग लेके बॉम्बे आते जाते थे। हाँ। खाने की सुविधा नहीं होती थी,
जो बाहरगांव से आता है, काम ढूंढ के बॉम्बे में आते उस समय 1942 में एस्टैब्लिश किया, 1942 अ लिटिल बिफोर इंडिपेंडेंस। तो मदर्स फूड अगर आपको परदेश में मिल जाता है या पर गांव में मिल जाता है, आपका 50% इश्यूज निकल जाते हैं। चलो उसी ऑन दीज गोल्डन वर्ड्स लेट्स स्टार्ट ईटिंग। देखते हैं क्या क्या आता है। ये आ गया दही, छास और पानी। छास यानी ताक। अच्छा ये आप, थैंक यू। नमक, ये फ्रेश आचार, नो ऑयल। मद्रास ककड़ी पोली कोद्देल, ये जीएसबी मैंगलोरियन नेम है, रेसिपीज है। और आज मद्रास ककड़ी पोली कोद्देल, पोली कोद्देल। और ये मूगाच घशी, विद कड़गी, दैट इज रॉ जैकफ्रूट। जैकफ्रूट मैंगलोर रॉ जैकफ्रूट, जैसे कच्चा केला होता है उसी तरह रॉ जैकफ्रूट होता है। ओके इंटरेस्टिंग। पापड़, सिंपल सदर्न पापड़, चपाती, पूरी भी आ जाएगा। अच्छा पूरी भी आ जाएगा। जो केला उपकरी, कच्चा केला, कच्चा केला उपकरी, ये वांगी शेंगा सुके, द प्रिपरेशन इज स्लाइटली थिकर विस्किस सुके, सो ब्रिंजॉल और शेंगा भी होता है उसमें। ओके दिस इज वाल पोटैटो बटाटा बेंदी। वाल ओके बेंदी, बेंदी बेंदी इज द नेम ऑफ द प्रिपरेशन। चपाती, पूरी, पापड़, दिस पापड़ साउथ इंडियन पापड़, नो अपलम पापड़, अपलम पापड़, हां व्हिच इज फ्राइड नेवर रोस्टेड। Fried never, most important, fried never roasted. And chawal. Pure ghee on the rice. Yes. And my full, full meal, South Indian meal, which is homemade, because there is a board over here which also says the owners eat over here. Because the food is ghar ka food. Yeah? Shuruat kahan se karu main fir? Abhi confused ho. Chapati se shuruat karu? Bataiye. Chalo, ye इसके इससे शुरू करते हैं। नो, इस सब्जी का द गुड थिंग अबाउट दिस कि ये ज्यादा कुक नहीं किया हुआ है। यस, थोड़ा सा उसमें कोकोनट है, मस्टर्ड सीड्स है, मेथी सीड्स है, कड़ी पत्ता है। बेसिकली दिस इज स्टीम्ड। चाइल्ड एज वेल एज एन ऑक्टोजेनेरियन, 80 साल के व्यक्ति भी खा सकते हैं, एक छोटा बच्चा भी खा सकता है। मेरे जैसा छोटा बच्चा भी डाइजेस्ट आराम से कर सकता है। एंड इट इज डिलिशियस। ये जो उपकरी है कॉलीफ्लावर की, मैं पूरी के साथ में एक ककड़ी खाने वाला हूँ। Sweet like this, yes.
तीखी तीखा भी है, मसाला भी है इसमें, वेरी डिलीशियस। क्योंकि टमाटो के कारण थोड़ा खट्टा भी आता है इसमें। वांगी शेंगा, हाँ वांगी शेंगा सूखे सूखे, वांगी शेंगा सूखे। इट इज डिलीशियस। रॉ बनाना और बनाना के फूल दोनों की अच्छी सब्जी बनती है, नो? Even the stem, उसका जो stem of the banana, अंदर का जो होता है tender, वो बनता है। और क्योंकि मैंगलोर कोस्टल टाउन है, जहाँ कोकोनट भी है, बनाना भी है, काफ़ी बनाना भी है, तो वहाँ इन अनयूजुअल वेजिटेबल्स की अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनती है। पिकल कैसे विदाउट ऑयल बनता है? प्रिजर्व नहीं करते हैं। तो फ्रेशली मेड, फ्रेश मेड एंड फिनिश्ड, जैसे मिक्स वेजिटेबल बनता है, आंवला का बनता है। वेरी नाइस। वाल मुझे बहुत पसंद है, कड़वे वाल तो मुझे बहुत ही पसंद है। दिस इज अ रेगुलर वाइट वाल, रेगुलर वाइट वाल। ये चावल किसके साथ खाओ पहले? सबसे थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा ये। अरे पापड़ भी इसमें डालते हैं क्या? हाँ। थोड़ा वो करते ना कभी मिक्स करके। सांबर और राइस जैसा कॉम्बिनेशन है, जो एक कंफर्ट फूड जैसे कहते हैं ना, सांबर और राइस। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा लिया है, क्योंकि यहाँ फिर फाइन मारते अगर वेस्ट करूँगा फूड पे, तो इसलिए थोड़ा ही लेने का, जितना चाहिए उतना लेने का, ज़्यादा लेने का नहीं। दे रहा हूँ, जितना चाहिए उतना लीजिए, फिनिश करिए। मैंने चावल खाया है, आधी चपाती ली, आधी पूरी, लेकिन पेट अभी तक ऐसा लगता नहीं कि मैंने खाना खाया है। अभी मैं ये भी खाता हूँ, चलो Let's finish on this. अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद मीठा है और हमें देखते हैं मीठे में क्या है। अभी तब तक मैं ये भी खत्म कर लेता हूँ। अरे वाह, अभी ये तो रसगुल्ला है। ये दिस इज मैंगो श्रीखंड और आम्रखंड, दिस इज गुलाब जामुन, दिस इज कॉल्ड मैसूर पुडिंग। मैसूर पुडिंग, हाँ, फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, ओके, हल्का सा रोस्ट करके, हाँ, बेसन के साथ बनाते हैं, ओके। ये सीजनल है हलवा, दूधी हलवा, दूधी हलवा। कोल्ड विंटर सीजन में महीने में 3 बार गाजर हलवा बनाते हैं, हाँ, और 9 महीने दूधी हलवा बनाते हैं, 3 महीने वो, 9 महीने ये, हाँ। ये पायसम है, आज ट्यूसडे है तो रवा पायसम, 7 दिन का 7 अलग अलग पायसम बनता है। तो मैं अभी ये पायसम लेने वाला हूँ, क्योंकि साउथ इंडियन है। और ये जो आपने कहा इसको, इसको ये बस ये दो मैं खाने वाला हूँ। मैसूर पुडिंग विच इज मेड आउट ऑफ कोकोनट एंड बेसन, बेसन जो आप चबा रहे हैं वो फ्रेश कोकोनट, फ्रेश कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है, वो नाइसली बर्न शुगर के साथ उसका, और फिर बेसन, और जैसे मैसूर पाक रहता है, हाँ, उसका ही थोड़ा फ्लेवर, हाँ, आ रहा है उसमें। मैसूर पाक में केवल बेसन और शक्कर रहता है, इसलिए वो पिघल जाता है, चबाने को नहीं मिलता है आफ्टर पॉइंट। इसमें कोकोनट के पार्शियली रोस्टेड होने की वजह से आपको एक च्यूवी, एक बाइट मिलता है। अभी तक आप चबा रहे हैं, दांतों में अट्टे हैं, दैट इज द, यू गेट द टेस्ट एंड द च्यूवीनेस ऑफ इट। अब पायसम, आज रवा का पायसम है, हर रोज अलग अलग पायसम बनता है यहाँ। ये चमचा छोड़ दो यार, ऐसे लेते हैं। वेरी नाइस पायसम ऑल्सो
मिल्क विच इज बीन रिड्यूस, जो उबाल उबाल के मिल्क रिड्यूस करते हैं उसमें इस टाइम रवा डाला है, शक्कर डाली है. बट दिस इज नाइस, दिस इज रियली नाइस. थैंक यू शशांक. ग्लैड यू लाइक इट. आई एम ग्लैड आई लाइक्ड इट. और मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने पूरा पूरा प्लेट है, पूरा जो मराठी बोलते हैं पान, पान यानी लीफ, खत्म कर दिया, साफ कर दिया, कुछ वेस्ट नहीं किया. और ये जो डिजर्ट बाकी है वो मैं खत्म करूंगा. बेसिकली खाने में सबके होने सब होने के बाद वीड़ा ऑफर किया जाता है. वीड़ा बोलते हैं इसे, वीड़ा वीड़ा सिंपल साउथ इंडियन पान. ओके. इसमें क्लोव ओरल हाइजीन डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है. क्लोव ओरल हाइजीन. हाँ, आप पत्ते से शुरू करते हैं और पत्ते से एंड करते हैं. अरे वाह, पत्ते से शुरू करते हैं और पत्ते पर एंड करते हैं. दैट इज नाउ के ज़माने में लेडीज किचन के बाहर नहीं आती थी, जब भी गेस्ट आते थे वो अंदर से ही देखते रहते थे कि मेरा खाना उनको कितना अच्छा लगा. और उसी तरह जो गेस्ट होता है उनको कन्वे करना है लेडी से कि आई इन ग्रैटिट्यूड, आई अप्रिशिएट योर फूड. आप कैसे कन्वे करते हैं? तो पत्ता फोल्ड किया जाता था. ओके. उसका ये है, आपको खाना अच्छा लगा. आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना. और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है. आई वांट एवरीथिंग. सी वेरी रेयरली, इतने सालों बाद मैंने इतना खाना खाया है, नहीं तो तेरे लिए कुछ बचा नहीं. नॉर्मली जब लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि तुम खाना वेस्ट करते हो, वेस्ट नहीं होता कभी खाना, क्योंकि बाकी के जो बैठे हैं वो आ जाते हैं इमीडिएटली. लेकिन आज उनके लिए किचन में जाना पड़ेगा. नहीं नहीं, है ना, पूरा लीफ है. दे विल हैव टू गो बैक इनटू द किचन एंड ईट. थैंक यू. एवरीथिंग इज देयर. या एवरीथिंग इज देयर. बहुत अच्छा है, इतना हेल्दी फील कर रहा हूँ ना मैं. वेरी गुड. चलो.